गज के फतेह बुलाओ। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज इत्थे तुहाडे दरम्यान आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इत्थे असी एक्टर दे तौर ते नहीं, बल्कि भैणां भरावां दे वीर, बजुर्गां दे बच्चे, दोस्तां दे दोस्त बन के आए हैं, अपने भरावां दे नाल खड़न वास्ते आए हैं, क्योंकि संघर्ष तुहाडा कल्यां दा नहीं, अपने सारयां दा, सारे पंजाब दा। आपां नूं जिहड़े एक दसन की जरूरत नहीं कि आप किस काम लिए इकट्ठे हुए हैं। जेड़े तीन काले कानून अपने ते थोपे गए ने, उसका की मतलब है आप सारे जानते हैं, पर आप समझा जाता है कि पिंडा वाले पंजाब वाले भोले होंगे ने, अनजाण होंगे ने, अनपढ़ होंगे ने, इन्हों पता ही नहीं कि बिल की ने। पर मैं उन्होंने दसना चाहना, इस पंजाब दे विच डाक्टर भी ने, वकील भी ने, उगे सियासतदान भी ने, पढ़े लिखे भी ने, सारा जानते हैं। सियाने बंदे की गल सानू समझ आवे या ना आवे, चलाक बंदे की असी अख पढ़ लैने, सानू सब पता है कि की बिल ने ते की नहीं ने। जे बिल आ गए तो साडा सिस्टम ही चेंज हो जाना है, साडा कल्चर ही बदल जाना है। हिंदुस्तान का 70-80% इलाका किसानी नाल जुड़िया होया है। उन्होंने ये नहीं पता जे किसान पिछा हट गया तो हिंदुस्तान भुखा मर जाएगा। हिंदुस्तान साडा ही मुल्क है, साडा फर्ज है साडे मुल्क का ढिड भरना, पर साडियां सरकारां दा भी फर्ज है साडे वल सोचना, साडे ते निगाह रखनी। सरकारां आवाम दी मां हुंदियां ने, मां दा ये फर्ज नहीं हुंदा कि किसे गोरे चिट्टे बच्चे वाले ज्यादा ध्यान करे, ते जे कोई बच्चा कमजोर है या रंग दा सांवला है उहदे वल वेखे ही ना। मां हमेशा सारे बच्चों वाल एको जिहा ख्याल करती है। जे बिल आ गए, असीं गुंदे हुए हैं अपने इस जिमीदारी की वजह नाल साडे रिश्तियां दे विच। तुसीं आप सोचो आरती वीर साडे किधर नूं जाणगे जे जिमीदार ही ना रहा। पैरलल एक होर मंडी खड़ी करन वाले ने, लोग कहिंदे ने कि इह मंडी भी तुसीं जारी रखो ते असीं भी आपनी जारी रखांगे। जे दूजी मंडी 4 साल 2 साल इन्हां ने 4 रुपये वध दे दिते, सारे ने उधर हो जाना, तो साढ़े आड़ती वीर दीआं दुकानां बंद हो जाणगीआं, उह मक्खियां मारनगे। पुछण वाला होवे उन्होंने साढ़े वक्त सारे ने, किसी धी भैण का विआह होवे तां जरूरत तो ज़्यादा पैसे दिते ने जिमीदार नूं। जट जांदा आड़ती दे गद्दे ते बैठ जांदा, गोल सरहाणे नाल कूड़ी ला के बह जांदा, तो सारा दुपहरा आड़ती दे नाल गल्लां करदा। वह इन्हू बड़िया चंगी चंगी गल्लां समझा के भी कर दिंदा। आउण लग्या गुड़ शक्कर लै आउंदा, चाह पत्ती लै आउंदा, ते कुछ पैसे भी लै आउंदा। ये साडा उहदे नाल रिश्ता हुंदा, धी भैण दे विआह वेले वध तों वध उहदे तों मदद भी लैंदा। ये सारे रिश्ते खत्म हो जाने ने। साडे खेतां दे विच कम करन वाले मजदूर, साडे मजदूर भरा वह किधर नूं जाणगे? वह बिल्कुल वेले हो जाणगे जे साडे कोल कम ना होया। उन्हां नाल उह होणी है जिहड़ी बिहार दे विच लोकां नाल हो रही है। वो मजदूरी करने वास्ते पंजाब हरियाणे दे विच आउंदे ने। एक मैनू किस्सा याद आ रहा, मैं बड़ा पुराना सुनिया सी कि जब उस दुनिया के वाली ने, अकाल पुरख वाहेगुरु ने दुनिया नूं कम सौंपे, किसी नूं दुकानदारी दे दित्ती, किसी नूं कारखाने दे दित्ते, जब जट दी वारी आई तो उहनूं कहन लग्या, उस मालक कहन लग्या, तैनू जिमीदारा दिता, तू अपने बच्चे भी पालेगा ते दुनिया का ढिड भी भरेगा। जिमीदार जट भोला हुंदा, उन्हें बगावत कर दिती, कहन लग्या सच्चे पातशाह मैनू एडा औखा काम क्यों दिता है, कौन चकूगा एडा बोझा? कहिंदे ने कि एक मजबी सिख मार के थापी अगे आ गया, तो हिक ते हथ मार के कहन लग्या, चाचा मैं वेखा तेरिया पन्ना चकूंगा, तू छावे होके बैठ जाई। यकीन जाने ये तो बेशक एक किस्सा ही है, पर साडे गरीब भरा, साडे रंगरेते सिख, वह साडी इन्नी मदद करते हैं, जेड़े घर के नाल लगते हैं उम्र कर देंगे ने, फिर उसकी औलाद भी उस घर नाल कर देती है। वह रिश्ते किधर जाएंगे? वह खत्म हो जाएंगे। मेरे वीरो, रल के इस एजीटेशन के सारे आपके भरावों का साथ दौ। भरावों के नाल भरा ही एक दूजे के नाल ही आप वे होंगे। असी इत्थे
कोई सियासी स्पीचा देने वास्ते नहीं आए, अपना फर्ज समझ के अपने भरावां दे नाल खड़ना आए हैं। एक आखिर दे विच बहुत जरूरी गल करनी चाहना, कोई भी लड़ाई लड़नी होवे, किसी भी मैदान विच जूझना होवे, जिस्मानी ते दिमागी सेहत बहुत जरूरी है। अपने आप नू फिट रखो मेरे छोटे वीरो, वड्डियां नू तां मैं कुछ कह नहीं सकदा, मेरे छोटे वीरां ते मैनू हक है, मैं उन्हां नू जरूर आखांगा, नशियां तों बचो, जे बची दा तां नशियां तों बचो, अपने आप नू फिट रखो, दिमागी सेहत नू कायम रखो, फिर ही आपां सही फैसले लै सकदे हां। अज दी एजुकेशन फिर ही कामयाब होएगी जे असीं पूरी ईमानदारी नाल शांतमई ढंग नाल इस नू चलावांगे। तां साडे असली हीरो साडे आगू ने, जिहड़े जथेबंदियां दे आगू ने, किसान ने जिहड़े लीहां ते बैठे होए ने, असीं तां सिर्फ फिल्मां दे विच हीरो दा काम करदे हां, असली हीरो ओह ने जिहड़े 2 महीनियां तों भुखे ते आए बैठे ने अपना घर छड्ड के। मैं उन्हां नू सलाम करदा, और खास तौर ते इक गल होर कि आने वाली नस्लां भी सुधारनियां है, आने वाली नस्लां फिर बनगियां जे साडियां तीआं पैणा मावां दी इज्जत होएगी। कमजोर ते दबियां होईयां मावां दी कुखों भगत सिंह पैदा नहीं हुंदा, उन्हां दी इज्जत करो, मावां भैणां दी इज्जत करो, तां कि ओह दलेरी नाल इक बहादुर कौम नूं जन्म देण। बस इहो गल्लां सी, जे मैथों कोई गलती हो गई होवे तां माफ करिया जे, अपना वीर भरा बच्चा समझ के माफ कर दिया जे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।